डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पिछले दिन विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ा था और खासकर मनुष्य में पोषण कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ जानकारी ली थी। और आपको मनुष्य में पोषण, हम लोग जो टॉपिक बनाए थे मनुष्य में पोषण, उसके नीचे हम आपको बोले थे यहाँ पे फिगर बना लियो। और उसके बाद हम लोग जो जो चीज कल हम लोग सीखे थे, पढ़े थे, चलिए उन बात को हम लोग लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि समझे थे ना, हम लोग सबसे लंबी होती है आहार नाल, जो मुंह से लेकर गुद्दा तक होता है। गुद्दा क्या होता है, मुंह में कैसे जाता है, सब चीज के बारे में कुछ जानकारी ली थी। चलिए हम लोग टॉपिक्स वाइज, पॉइंट वाइज इस टॉपिक के अंतर्गत लिख लेते हैं उन सभी बातों को जो हम लोग पिछले क्लास में समझे थे। फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए, फर्स्ट पॉइंट, आहार नाल मूल रूप से, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक, मुंह से गुद्दा तक एक विस्तृत, गुद्दा तक एक विस्तृत लंबी नली होती है, विस्तृत एक लंबी नली होती है। नेक्स्ट एरो देंगे, नेक्स्ट एरो, कल हम लोग पढ़े थे ना कि सबसे लंबी नली होती है जो मुंह से लेकर गुद्दा तक होती है। हम लोग अभी उस बात को भी लिखेंगे, यानी कि आपको पता होना चाहिए आहार नाल जो है सबसे विस्तृत लंबी नली है। तो सेकेंड एरो में लिखा जाए, सबसे पहले, सबसे पहले भोजन को चबाकर, भोजन को चबाकर भोजन को छोटे छोटे कणों में बदल दिया जाता है। सबसे पहले भोजन को चबाकर भोजन को छोटे छोटे कणों में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, अगला एरो, छोटे कण वाले भोजन, छोटे कण वाले भोजन लार के साथ मिलकर, लार के साथ मिलकर चिकना हो जाते हैं, चिकना हो जाते हैं ताकि, ताकि आहार नाल में भोजन, ताकि आहार नाल में भोजन आसानी से, आसानी से स्थानांतरित हो सके, स्थानांतरित ऐसे लिखेंगे। स्थानांतरित का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है, स्थानांतरित हो सके। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, जब हम अपनी पसंद का, नेक्स्ट एरो में लिखेंगे, जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो, कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है जिसे, जिसे लार कहते हैं, जिसे लार कहते हैं, कौमा, कौमा यह लाला ग्रंथि से स्रावित होता है, लाला ग्रंथि से स्रावित, स्रावित को ऐसे लिखेंगे, स्रावित लिखाता है, स्रावित होता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट एरो लिखेंगे, लार में पाया जाने वाला,
लार में पाया जाने वाला एमिलेस एंजाइम, लार में पाया जाने वाला एमिलेस, लार में पाया जाने वाला एमिलेस एंजाइम भोजन को चबाने के दौरान, भोजन को चबाने के दौरान लार के साथ पूरी तरह मिल जाती है, लार के साथ पूरी तरह मिल जाती है। चलिए दोस्तों, तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि सबसे पहले जो है ना, दांत से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आहार नाल का जो व्यास है वो तदुपरांत कम है, और उसको हम लोग छोटे छोटे कण में कर देते हैं, और हमारा जो जीभ से लार लार उत्पन्न होता है। और लार किसको कहते हैं? तो ऑटोमेटिक कुछ पानी आता है, जैसे कोई भी आपके पसंद का चीज खाते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। जैसे अगर हम इमली का नाम ले तो इमली, तो अक्सर इमली का नाम सुनकर ही लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। तो हम वो उसको पानी आने वाला जो रहता है ना, उसी को हम लोग लार कहते हैं। और लार उत्पन्न कहां से होता है? तो याद रखिएगा, लार जो है लाला ग्रंथि से स्रावित होता है। हमारे अंदर एक लाला ग्रंथि है, उसी लाला ग्रंथि से लार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, ये लाला ग्रंथि से जो लार उत्पन्न हुआ, तो लार काम क्या किया? और लार में हम लोग पढ़े कि एमिलेस एंजाइम होता है। ये क्या होता है? एमिलेस एंजाइम। और ये काम क्या करता है? कोई भी भोजन को जब हम लोग करते हैं ना, तो सबसे पहले दांत उसको क्या करता है? छोटे छोटे कणों में उसको बांट देता है। ठीक है, अब जब छोटे छोटे कणों में बांट दिया, तो जीभ में लार जो उत्पन्न हुआ, लाला ग्रंथि से निकला, वो क्या क्या भोजन के साथ पूरा मिलकर चिकना बना दिया। चिकना क्यों बनाया? क्योंकि आहार नाल में जाने में भोजन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इतने सारा चीजों को हम लोग पढ़ा। तो अभी इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा? अभी तक तो सिर्फ भोजन को यहां तक के बारे में पढ़े हैं। भोजन अंदर गया तो दांत का काम हुआ, जीभ से लार ये सब मिला, जिसमें एमिलेस एंजाइम होता है। और लार कहां से उत्पन्न होता है? लाला ग्रंथि से, याद रखिएगा। तो यहां तक के पढ़े, अभी तक यहां तक के भोजन अभी तक के पढ़े। अब जो भोजन यहां आहार नाल से होते हुए कहां जाएगा? वो अमाशय में जाता है। सबसे पहला जो हम लोग भोजन खाते हैं, तो लार उर्स के साथ मिलकर ये भोजन आहार नाल से होते हुए कहां जाता है? याद रखिएगा, सबसे पहला प्रोसेस भोजन जो है आहार नाल से अमाशय में जाता है। और अमाशय में जो जाता है, तो भोजन को ले जाने का काम कौन करता है? तो एक नाम है इंसोफेगस। नाम क्या है उसका? इंसोफेगस, याद रखिएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं इंसोफेगस। दोस्तों यही काम करता है, कोई भी भोजन हम करते हैं ना, तो मुंह से लेकर अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है यही इंसोफेगस। यानी कि सवाल आएगा या कोई पूछेगा कि भोजन जो है अमाशय तक लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है? तो आंसर करेंगे इंसोफेगस के द्वारा। इंसोफेगस के द्वारा भोजन को अमाशय तक लाया जाता है। चलिए आगे का कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हम लोग लिख लेंगे, और लिखने के बाद उनको भी हम लोग समझ लेंगे कि क्या बोला जा रहा है। अभी ये टॉपिक्स खत्म नहीं हुआ है, बहुत लंबा टॉपिक्स है। आप फिगर बना लिए हैं ना, तो बहुत अच्छा है। फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि कहां अमाशय है, कहां गुद्दा है ना। तो एरो देकर लिखेंगे, उसके नीचे एरो देकर, मुंह से अमाशय तक भोजन, मुंह से अमाशय तक भोजन इंसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। मुंह से अमाशय तक भोजन इंसोफेगस द्वारा
ले जाया जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे नेक्स्ट एरो में अमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। बृहत का मतलब बड़ा अंग है, बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। पूर्ण विराम अमाशय के पेशीय भित्ति अमाशय के पेशीय भित्ति भोजन को पाचक रस प्रदान करती है। ताकि भोजन आसानी से पच सके, फिर नेक्स्ट एरो देंगे, नेक्स्ट एरो लिखेंगे अमाशय के पेशीय भित्ति में पाचक रस जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है जो HCl ब्रैकेट में HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉमा प्रोटीन कॉमा पेप्सिन को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पाचक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रवण करती है। फिर उसके नीचे एरो दीजिएगा, सब बात को बताते हैं अभी, उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे यदि हमारे पेट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो उसे एसिडिटी
एसिडिटी कहा जाता है। चलिए अब जितना बात अभी हम लोग लिखें पहले उतना समझ लेते हैं धीरे धीरे, फिर और आगे की बात को लिखेंगे, आगे की बात को समझेंगे। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि हम मुंह से भोजन जो लाते हैं अमाशय तक पहुंचता है, तो पहली बात हो गई। अब ये किसके द्वारा लाया जाता है, तो इंसोफेगस, इंसोफेगस के द्वारा, मिटा दिए ना, हाँ, तो आपको याद होना चाहिए कि इंसोफेगस के द्वारा भोजन को मुंह से कहां लाया जाता है, अमाशय में। और दोस्तों अमाशय एक बहुत बड़ा बृहत अंग है, ठीक है, और उसमें एक ऐसा क्वालिटी आता है कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो ब्लैडर के टाइप का, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, पेट में एक तरफ अमाशय रहता है, वही अमाशय में भोजन जो है स्टोर होता है। यहां से जाते तो भोजन सबसे पहले अमाशय में जाता है, तो जैसे हम लोग भोजन किए तो अमाशय में गया, तो अमाशय का एक ऐसा गुण है कि जैसे भोजन को करते हैं ना, तो वो अपना साइज को बड़ा कर लेता है, और फिर हमको पता चलता है कि पेट जो है फूल गया, या फिर ज्यादा आप पानी पी लो तो भोजन में ना आया पानी, या फिर कोई चाल दाल रोटी चावल खाते हो तो सब तो आया भोजन के तौर पे ही, यानी कि कोई भी चीज आप भोजन करते हो ना अमाशय में सबसे पहले जाता है, चाहे पानी पीते हो, चाहे फल खाते हो, चाहे दाल रोटी चावल खाते हो, तो वो अमाशय में जाता है। अमाशय में गया वो भोजन किसके द्वारा, इंसोफेगस के द्वारा। अब वो भोजन तो चल गया अमाशय में, अब चूंकि वो एक बृहत अंग होता है इंस्टेटाइन में, शरीर के अंदर का एक बड़ा अंग होता है अमाशय, उसका एक गुण पाया जाता है कि जैसे ही भोजन गया वो लचीला होता है, उसका ब्लैडर जैसे ही गया तो वो फूल जाता है, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि अमाशय एक बहुत बड़ा अंग है और जैसे उसमें भोजन जाता है, जैसे ही उसमें भोजन जाता है वो क्या होता है, वो फूल जाता है, ठीक है, अच्छा फूल जाता है या फैल जाता है बात हुई। और दूसरी बात कि अमाशय का जो ब्लैडर होता है, ये अमाशय मान लिया कि ये अमाशय है, तो अमाशय का जो ये भित्ति हुआ ना, भित्ति यानी कि दीवार जिसको बोलते हैं अंदर का, ये आपको एक रस छोड़ता है जिसको आप लोग बोलते हैं पाचक रस। क्या बोलते हैं, ये पाचक रस छोड़ता है। सबसे पहले भोजन इसमें आया तो रह गया, अब क्या हुआ, तो ये अमाशय का जो पेशीय भित्ति हुआ, पेशीय भित्ति का मतलब ये मेरा एक दीवाल हुआ, तो दीवाल का सतह ये हुआ कि नहीं, उसी तरीके से जब भोजन उसके अंदर आ जाता है तो पेशीय भित्ति जो होता है ना, किसका, अमाशय का, वह एक पाचक रस छोड़ता है जो भोजन के साथ मिल जाता है, क्यों, ताकि भोजन जो है आसानी से पच सके। और ये पाचक रस जो है वो कहां से स्रावित होता है, वो जठर ग्रंथि से, याद रखिएगा, जैसे अभी पढ़े ना लाला ग्रंथि से लार निकलता है, वैसे ही दोस्तों जठर ग्रंथि से पाचक रस निकलता है, ठीक है। दूसरा बात कि अमाशय में और किसकी किसकी मात्रा उत्पन्न होती है, तो अमाशय में देखिए, अमाशय में जो पाचक रस तो निकलता है, अब पाचक रस के रूप में कौन कौन सा पदार्थ निकलते हैं, जैसे हम तो बोलेंगे कि हम भोजन कर लिए, तो भोजन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, दाल भी खा सकते हैं, तो भोजन रोटी भी भोजन, पानी भी भोजन, तो अब हम लोग पूछते हैं ना कि क्या खाया, तो क्या खाया का मतलब क्या, आप सिर्फ बोल देंगे कि भोजन किया तो ये तो क्लियर नहीं हुआ कि क्या खाया, उसके लिए आपको स्पेशल बताना पड़ता है। उसी तरीके से आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो भोजन अमाशय में गया, आप देखिएगा स्ट्रक्चर, तो एक जगह पे अमाशय का भी फिगर उसमें एरो देकर लिखा हुआ होगा कि अमाशय कहाँ है, आहार नाल से भोजन जाता है तो अमाशय में कैसे जाता है, तो ये फिगर में भी आप लोग ड्रॉ किए होंगे। तो अमाशय में जाता है तो पाचक रस पेशीय भित्ति से निकलता है, अब ये पाचक रस के रूप में क्या क्या निकलता है जरा समझिए, पाचक रस के रूप में आपको HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन निकलता है, पेप्सिन निकलता है, सलेस्मा निकलता है,
ये सभी पदार्थ मिलकर उस भोजन को पचाने में मदद करते हैं। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि पाचक रस तो निकलता है, अब इस पाचक रस के रूप में क्या क्या निकलता है, तो पाचक रस के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन, पेप्सिन जो पाचक एंजाइम भी कहा जाता है पेप्सिन को, तथा सलेष्मा का श्रवण होता है। श्रवण का मतलब निकलता है, निष्कासित तो होता है अमाशय के पेशीय भित्ति से। अब ये काम क्या करता है? तो ये काम करता है भोजन को पचाने में, ठीक है, भोजन को पचाने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे पेट में, इसीलिए बोला गया है हमारे पेट में क्या क्या मौजूद रहते हैं जो भोजन को पचाने में मौजूद मदद करता है, तो HCl, पेप्सिन, प्रोटीन और सलेष्मा, ये सब सारे पदार्थ मिलकर भोजन को पचाने के लिए एक पाचक रस छोड़ते हैं, पाचक रस को मिलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तो समझ में आ गया कि अच्छा, यानी कि हम लोगों को भोजन के पचाने के लिए अमाशय से उत्पन्न HCl, प्रोटीन ये सब जरूरत है, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों हमारे पेट में, यानी बोले अमाशय में, अगर HCl की मात्रा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है, तब हम इसी को बोल देते हैं एसिडिटी। ध्यान रहे, एसिडिटी किसको कहते हैं? सवाल आता है एसिडिटी से आप क्या समझते हैं? तो एसिडिटी का मतलब हुआ कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बढ़ जाना। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो आप क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि अगर HCl की मात्रा बढ़ गई तो क्या हो गई? एसिडिटी हो गई। और दोस्तों अक्सर HCl की मात्रा का बढ़ने का कारण होता है कि तेल वाले पदार्थ खाने से, यानी कि जो ज्यादातर तेल से बने पदार्थ का सेवन करते हैं उनको अक्सर गैस की शिकायत होती है, अम्लीय की शिकायत होती है, दैट इज एसिडिटी। बोलते हैं ना कि बहुत गैस जैसा हो रहा है, तो गैस कब बनता है? गैस कब बनता है? जब ज्यादा तेलीय पदार्थ खाते हो, और वही तेलीय पदार्थ खाने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, यही HCl की मात्रा बढ़ जाती है, उसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। चलिए अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी मनुष्य के पोषण में ही ये सब सारा पॉइंट्स हम लोग लिखते चल रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि मनुष्य के पोषण में, मनुष्य में जो पोषण होता है, इतना सारा प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। तो और भी कुछ चीजें हैं जिसको हम लोगों को जानना चाहिए, लिखेंगे नेक्स्ट एरो, पहले लिख लिया जाए फिर चीजों को हम समझा देंगे। अमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत्र देख लीजिए, सबसे पहले मुंह के द्वारा अमाशय में गया भोजन, अब अमाशय से भोजन कहां जाएगा? क्षुद्रांत्र में। अब क्षुद्रांत्र क्या होता है, उसका फिगर कैसा होता है, आप पहले भी फिगर बनाए होंगे पोषण में, पाचन तंत्र का फिगर, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कहां अमाशय है, कहां पे क्षुद्रांत्र है ना। तो सबसे पहले आहार नाल की सहायता से भोजन कहां गया? अमाशय में। अमाशय से अब भोजन कहां जाएगा? क्षुद्रांत्र में, याद रखिएगा। वही चीज हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं, एरो देकर लिखा जाए। अमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है, क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, सबसे लंबा भाग है, ऐसे लिखेगा। क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, फिर लिखेगा नेक्स्ट एरो, विभिन्न जंतुओं में,
विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होता है नेक्स्ट अर देंगे लिखेंगे घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में क्षुद्रांत्र की लंबाई लंबी होती है जबकि मांसाहारी जीव की क्षुद्रांत्र की लंबाई अपेक्षाकृत छोटी होती है फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो लिखा जाए क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट कॉमा प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल है चलिए अब हम लोग यहां पे समझेंगे कि उसके आगे क्या क्या हम लोगों ने पॉइंट्स लिखा है। तो दोस्तों हम लोग ये तो बात पुरानी बात है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि आमाशय में जाता है आहार नाल के द्वारा, लेकिन वो भोजन आमाशय से फिर कहां जाता है? तो आमाशय से फिर जाता है वो क्षुद्रांत्र में। कहां जाता है? क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। और क्षुद्रांत्र एक तरीके से देखा जाए तो आहार नाल का क्या है, सबसे बृहत अंग है, लंबा भाग होता है। ठीक है, क्षुद्रांत्र जो है आहार नाल का एक सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि आहार नाल कहां से कहां तक होता है? आहार नाल का बात करें तो मुंह से लेकर नीचे गुदा तक, और गुदा का मतलब जहां मलमूत्र हम लोग त्याग करते हैं, ठीक है, वह पार्ट गुदा कहलाता है। और मुंह से जैसे ही आहार नाल यहां पे आता है तो यहां पे पहले आमाशय होता है, ठीक है, और फिर आमाशय से बहुत सारा ये पतली 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 नली होती है, ऐसे इस आकार की। पहले तो यहां आमाशय हो गया, ठीक है, और यहां से फिर एक नली निकला ऐसे ऐसे, ये वाला को हम लोग बोलते हैं टोटल क्षुद्रांत्र, ठीक है, जो ऐसे ऐसे स्प्रिंग के जैसा बनाया हुआ होगा, ठीक है, आप जब भी बनाए होंगे तो मेरा मतलब कि आहार नाल तो टोटल हो गया मुंह से लेकर गुदा तक, और उसमें से सबसे लंबा भाग कौन है, हालांकि वो मुड़ा हुआ रहता है ना, आंत जिसको कहते हैं, है ना, तो वो क्षुद्रांत्र कहलाता है।
और क्षुद्रांत एक बहुत ही लंबा भाग होता है आहार नल का। और क्षुद्रांत्र का अगर बात करें तो क्षुद्रांत्र में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग क्षुद्रांत्र की लंबाइयां होती है। जैसे मान लिया कि शाकाहारी जीव जो घास खाते हैं उनकी लंबाइयां क्षुद्रांत्र को बहुत बड़ा होता है, जबकि मांस को खाने वाले जीव को क्षुद्रांत्र की लंबाई कम होती है अपेक्षाकृत। यानी कि घास खाने वाले जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी क्षुद्रांत्र की लंबाइयां लंबी होती है, जबकि मांस खाने वाले जो होते हैं उसकी पाचन शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए क्षुद्रांत्र की लंबाइयां कम होती है मांसाहारी जीव का। ठीक है, तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि अलग अलग जीव के लिए अलग अलग क्या जरूरत है, क्षुद्रांत्र की लंबाइयां अलग अलग होती है। फिर हम लोग लिखे कि क्षुद्रांत्र में अक्सर क्या क्या काम होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, पूर्ण पाचन। देखिए पूर्ण पाचन का मतलब पूरी तरीके से, यानी अंदर जो देखे ना जानेंगे ना तो अलग, मतलब नेचुरली गॉड गिफ्टेड ऐसा मशीन है कि आपको एक मशीन से तो गुजरा, वहां पाचक पचने वाला एंजाइम या पचने वाला जो रस है छोड़ दिया गया आमाशय में, फिर गया वो क्षुद्रांत्र में, क्षुद्रांत्र में जो भोजन गति कर रहा था चल रहा था उससे भोजन उसका पच रहा था। और अक्सर क्या क्या क्षुद्रांत्र में पचता है, पूर्ण पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा। तो दोस्तों अभी हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं पढ़े हैं, अभी पूरा कंप्लीटली नहीं पढ़े हैं मनुष्य के पोषण में, अभी और कुछ छोटा टॉपिक छोटा पॉइंट्स बचा हुआ है, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। फिलहाल इतनी सारी पॉइंट्स जो लिखे हैं दोस्तों, आपको हर पॉइंट्स को रेगुलर पढ़ते रहना है, हर पॉइंट्स आपका वीवीआई है। ठीक है, कोई भी कौन ग्रंथि से क्या निकलता है, किसके द्वारा भोजन आमाशय में लाया जाता है, तो ये सब सारा पॉइंट सब इसी के अंतर्गत लिखते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी और मनुष्य के पोषण में और भी पॉइंट्स है, उसको पढ़ेंगे अगले दिन। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।